صبح آج کی بن جائے، ایسی شام آج کی بن جائے، اور ہم آنند اور آشیشت آرادت شریک ہو کر کے اپنی اپنی کو درج کر کے اس پرمیشور کے نام کو مہیما دینے پائے۔ دھنیواد ہو پیار پتا، دھنیواد ہو، ہمیں آپ کی ضرورت ہے اپنی مستی کو، پوتر آتما کے گہرے ابھیشیک کو، اس گہرائی کو پیار پتا یہاں پر بل کے ساتھ میں اڈیل دیجیے۔ پوتر آتما ہماری دیہ کے اوپر اپنے کاموں کو کرنا شروع کر دیجیے۔ وچن کا انکر ہمارے جیون کے اندر کر جائے گا اور آپ کی گہری سامنے پربھو ہم اس وچن کے ساتھ لپٹ جائیں گے پرمیشور، اور کر پتا یہاں کا محل کر پتا پرمیشور ایک بار پھر سے پربھو فرشتے اور کر پتا پرمیشور چاروں اور کے جتنے یا کھڑے ہیں پیچھے بیچ دور سے لے کے پیچھے تک چاروں اور سے فرشتوں کا ایک بھاری دل پربھو یہاں پر آ جائے ان کے نام جیسس، ایک گہرا سنا سنا تک تو راج کرے
Oh,
Thank you.
Thank you.
Thank you.
और आपसे इतना प्यार करता कि वो हम इन 50 दिनों के अंदर चल रहे हैं, वो उस स्थान को छोड़ करके इस स्थान में योजना के साथ आया। आमेन। योजना के साथ आया ताकि हम सबको अपने प्यार को दिखा सके और उस सूली पर अपने प्राण को दे करके मुझको और आपको उस पाप की गुलामी से आजाद कराए और आजाद करा करके सदा के लिए मेरे और आपके हाथ में ये मौका दे दे, ये अवसर दे दे। यदि तुम जीवन चाहते हो और यदि तुम परमेश्वर के राज करना चाहते हो तो ये तुम्हारे ऊपर है। मैंने तुम्हारे लिए सारे कामों को कर दिया, अब मौका तुम्हारे हाथ में है कि तुम उसको अपनाओगे या खोलोगे। ये इंसान के हाथ में है कि उसको अपनाएगा या खोलेगा। आज जिंदगी, अनंत जिंदगी, हमने कितना अच्छी तरीके से आजादी के साथ में आराधना को किया, खुल करके आराधना को किया, मस्त होकर के आराधना को किया। इसलिए किया क्योंकि हमने अपने हालातों से कहना शुरू कर दिया है, ऐ हालात सुधर जा, क्योंकि 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 यदि आया है, यदि आया है और आपकी लाइफ के अंदर वो एंटर हुआ है तो मेरे प्रियो इस बात को ध्यान रखो कि आपकी तैयारी शुरू हो जानी चाहिए, आपकी तैयारी शुरू हो जानी चाहिए वहां के लिए जिस संयोग नगरी में वो मुझको और आपको ले जाना चाहता है और अपने पिता से बात करता है, बाप जैसा मैं तुझ में हूं और तू मुझ में है वैसा ही ये सब भी हम में हो, ये उसके वर्डिंग है, वैसे ही ये सब भी हम में हो। वो मुझको और आपको और पिता को बिल्कुल भी अलग नहीं होने देना चाह रहा, वो हमको और आपको इकट्ठा एक साथ देखना चाहता है और उसके प्रयास, उसका मेहनत और उसका वो कष्ट आप इस बात को एहसास कर सकते हैं कि जब वो अपने बाप से कहता है, तीन बार बोलता है, ऐ बाप हो सके तो ये प्याला टल जाए, हो सके तो ये प्याला टल जाए, हो सके तो ये प्याला टल जाए, क्योंकि जब मानवीय तुम उसको एहसास हो रहा था आत्मा में, क्योंकि जब हम आप और हम पवित्र आत्मा से भरते हैं तो बहुत सारी चीजों को समझ जाते हैं और बहुत सारी प्रोफेसी हो जाती है और वो तो परमेश्वर था लेकिन उसने अपने सारे परमेश्वर की उन शक्तियों और अधिकारों को शून्य कर दिया। फिलिपियों 2 के अंदर कहता उसने अपने आप को शून्य कर दिया, इसीलिए उस पिता को जो उसके सामने रखी थी, उस कटोरे को जो उसके सामने रखा था, उसको जो वो ग्रहण करने जा रहा था, उसकी पीड़ाओं को जो सहन कर लिया था, उससे वो थोड़ा सा परेशान था, इसलिए बोलता बाप से, ऐ बाप हो सके तो ये प्याला टल जाए, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी, तेरी इच्छा पूरी, तेरी मर्जी पूरी हो। किसके लिए था वो प्याला? मेरे लिए था। वो दर्द, वो पीड़ा, वो दुख, वो संकट, वो कष्ट, वो सब मेरे लिए था, लेकिन वो सब अपने ऊपर ले गया। तो आज हम आजादी के साथ उसके राधा को भर सकते हैं, आज खुले हृदय के साथ में उसको अपना जीवन सौंप सकते हैं, आज खुली आजादी के साथ में अपने घुटनों पर आकर के कह सकते हैं, ऐ खुदावन ये जीवन तेरा है और इसको अपने तरीके से इस्तेमाल कर, आज उसके पुत्र पुत्री बन करके हम अपनी जिंदगी को उसको पूरी रीति से समर्पित कर सकते हैं और कह सकते हैं इस पूरे समर्पण के साथ में कि ऐ खुदावन ये जीवन तूने दिया, तू जब चाहे मिले, लेकिन उससे पहले मैं तैयार हो जाऊं ताकि जब मेरी आंखें खुले तो मैं उस बादशाह में पाया जाऊं जहां पर और जिस गोद में कौन था? लाजर। जिस गोद में कौन था? लाजर था। आज हम और आप अपनी ऐसी तैयारी को करें ताकि हम आशीषित और आनंदित हो सके, आशीषित और आनंदित हो सके। तो परमेश्वर हम सब पर अपना रहम करे और हम सबको आशीष और हम सबको बरकतें प्रदान करे। हम मिलकर के रात्रि में कंटिन्यू करेंगे और परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। Yeah.
Thank you.
Thank you.
अंदर किन्नर की दुष्ट आत्मा है, किन्नर इसके अंदर जीसस है। हालेलुया, यीशु के नाम से आज आज ही आजाद हो। आमेन। इन द नेम ऑफ जीसस। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और अपने मुंह के स्वर को मुंह से अपनी आवाज को निकाल कर उस लड़के के लिए जिसका नाम सिद्धू है Fire! 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 Fire!
प्रभु आपकी दया के साथ आपके साथ Yes. Yes. Yes.
वही प्रभु का
जो आदम ने उसने बोला और वही बोल करके चेला बनने का इनको शिक्षा देते हैं पिता, ये यीशु की शिक्षा को सुन करके और पिता पुत्र पुत्रा तक के बपतिस्मे को लेकर के आशीषित होते हैं और दुनिया के कोने कोने तक बाकी कहते जब तक सामक ना आए है ना, और जब आ जाए तो सारी यरूशलेम यहूदिया समरिया और दुनिया के छोर तक जगत के चोट तक मेरे गवाना प्रभु इसके जीवन को गवाहियों से भर दीजिएगा। पौलुस जब बोलता था तो गवाही से भरा था, पतरस जब बोलता था तो गवाही से भरा था, तीमोथियुस जब बोलता था तो गवाही से भरा था, तीतुस जब बोलता था तो गवाही से भरा था। इन सब चीजों के अंदर कैसी गवाही है ताकि जब मैं किसी को प्रचार करें तो सबसे पहले अपनी गवाही दे, सबसे पहले उस बात की गवाही दे कि मैं अंधा था लेकिन अब देखता हूं क्योंकि यीशु ने मुझे चंगा करा। अपनी बीमारी को बताए कि मैं सब बीमार था लेकिन मैं ठीक नहीं हो पाता था, लेकिन एक दिन प्रभु यीशु ने मुझे छुआ और मैं चंगा हो गया। अपनी गवाही के साथ में खड़े हो तब दूसरों के जीवन को बचा पाएंगे। प्रभु हम दया करेंगे तो आज की शाम हम सब आशीषित होंगे। कल का दिन और आज की रात हमारे लिए प्रार्थना करने की लाइफ हो और मानने की लाइफ हो और डिसीजन करने की लाइफ हो। सगले को गहरे विषय के साथ में परमेश्वर की मोहब्बत में आप परमेश्वर के काम को देखने पाऊंगा। थैंक यू जीसस, आपने मेरी प्रार्थनाओं को सुना। सभा को भी प्रभु आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। और इस समय हम लोग एक छोटी सी आराधना करेंगे, उसमें भेंट को लेकर सब अपने स्थान पर खड़े हैं। छोटी सी आराधना को करेंगे और भेंट को ग्रहण करेंगे और परमेश्वर को अपनी तरफ से अपना जीवन समर्पित करें। इस भेंट के साथ साथ अपनी लाइफ को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें, यह भी एक भेंट के तौर पर प्रभु को दें ताकि प्रभु मेरी और आपकी जिंदगी से खुश हो सके और खुश होकर के बदले में प्रभु क्या देने का हमको नहीं पता। हम सब अपने स्थान पर खड़े हो और शुक्र अदा करके उसके नाम को महिमा दे सके। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। Thank you.
इस कलीसिया के साथ और संसार के विश्वास के साथ जीवन होता रहे। आमीन।